हेलो गाइस, गुरुदेव द साइट। तो खुशखबरी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों, आप लोग के लिए गुड गुड न्यूज है। और वो गुड गुड न्यूज क्या है? वो गुड न्यूज ये है कि फाइनली फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, यूजी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वालों का एग्जामिनेशन का डेट आउट कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। तो डेट कुछ इस प्रकार है। एक्चुअल में ये आउट कब हुआ? ये आउट हुआ 12/7/2022 को, यानी ये आज के दिन ये रूटीन पब्लिश हुआ है। ठीक है, और रेफरेंस नंबर दिया हुआ है PPU CON एग्जाम 193। एग्जामिनेशन का प्रोग्राम क्या है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, डिग्री पार्ट टू और रेगुलर, यस, डिग्री पार्ट टू रेगुलर वालों के लिए। ओके, डिग्री पार्ट टू रेगुलर वालों के लिए, रेगुलर वालों का एग्जाम का शेड्यूल क्या है? तो रेगुलर वालों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 20/7 से। रेगुलर वालों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से। 20 जुलाई से, यानी आपके पास, यानी सेकेंड ईयर वालों, आपके पास मात्र, अगर मैं बोलूँ तो 6 दिन का टाइम है। 6 दिन भी छोड़ दो, यस, आपके पास सिर्फ 6 दिन का टाइम है आपके अपने पेपर को पूरा अच्छी तरह के तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, राइट। और वही है, एग्जाम फर्स्ट एंड सेकंड सेटिंग में होगी। ठीक है, और ये एग्जाम कब कब होगा? तो एग्जाम होगा 20 को होगा, 22 को होगा, 25 को एग्जाम हो रही है। ये 20 से लेके 25 तक में, 20 से लेके 25 तक में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 20 से लेके 25 तक में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर वालों के लिए। 20 से 25 तक एग्जाम होगी ऑनर्स पेपर के। एंड आफ्टर दैट 27 से लेके 13 अगस्त तक एग्जाम होगा सब्सिडरी और कॉम्पोजिशन पेपर का। ठीक है, ये है सेकंड ईयर वालों के लिए। सेकंड ईयर रेगुलर, सेकंड ईयर रेगुलर मैं बता दूं, ये है सेकंड ईयर रेगुलर। नाउ फर्स्ट ईयर रेगुलर, फर्स्ट ईयर रेगुलर वालों का एग्जाम नेशन के शेड्यूल कुछ इस प्रकार है कि फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले का एग्जाम होगा 21 जुलाई से स्टार्ट होगा, और 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक फर्स्ट ईयर वालों का ऑनर्स पेपर है। एंड 28 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक आपका सब्सिडरी इन कॉम्पोजिशन पेपर होगा, राइट। ओके सर, नाउ नेक्स्ट, ये तो रेगुलर वालों के लिए हो गया। वोकेशनल वालों का भी एग्जाम का डेट आउट हो चुका है, या वोकेशनल वालों का क्या है शेड्यूल? तो वोकेशनल वालों का शेड्यूल है, वोकेशनल डिग्री पार्ट वन का एग्जाम, जैसे कि रेगुलर वालों का 21 से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, वैसे वोकेशनल वालों का भी एग्जाम 21 से स्टार्ट हो रहा है। एंड ये 16 अगस्त को खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल वालों के लिए है। तो वोकेशनल वालों, आप अपना पेपर प्लीज चेक कर लें कि आपका BCA है, BBM है, BBA है, SPM है, TTM है, क्या है। ठीक है, एंड नाउ वोकेशनल डिग्री टू, यानी पार्ट टू, वोकेशनल पार्ट टू के लिए एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं 20 जुलाई से। जैसे कि सेकेंड ईयर रेगुलर का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा था 20 जुलाई से, वैसे ही स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, राइट। 20 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक एग्जामिनेशन होंगे। सेम शेड्यूल है, 20 से लेके, मतलब एग्जामिनेशन के डेट का पीरियड सेम है, 20 से लेके 13 अगस्त, और उधर 21 से लेके 16 अगस्त। बट एज यू नो कि आपके पेपर अलग अलग हैं, एक रेगुलर है, एक वोकेशनल है, तो आप अपने पेपर के हिसाब से जाएं और एग्जाम में बैठें। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ने एक और चीज बताई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सब्जेक्ट एंड देयर सीट डिटेल इन द कॉलेज, यानी आपका कौन से कॉलेज का सेंटर कहाँ गया है, ये भी यूनिवर्सिटी ने बताया है। तो मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कॉलेज नेम एन कॉलेज, ठीक है, कॉलेज का नाम है, नाम क्या है? एन कॉलेज। ठीक है, एन कॉलेज में,
ये आप देख लेना आपका रेस्पेक्टिव कहाँ का सेंटर जाता है। फिर आरकेडी, आरकेडी के बाद है नालंदा महिला कॉलेज बिहार शरीफ। ओके, ये नालंदा का है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये LLB वाले के लिए। आरकेट बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, आरकेट बिजनेस कॉलेज खगौल रोड, MM कॉलेज विक्रम राइट, RPM कॉलेज पटना सिटी। तो ये क्या है, ये दिए हुए कॉलेज के नाम जहां पे आपके कॉलेज के रेस्पेक्टिव सेंटर्स जाएंगे राइट। ओके, तो मुझे आपके साथ बस यही न्यूज शेयर करना था जो कि मैंने शेयर कर दिया। नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को ढेर सारा प्यार दो, वीडियोस को लाइक करो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ईयर वालों एंड सेकेंड ईयर वालों, अब दोनों का आने वाला है, रेगुलर वालों के लिए आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। तो मैं टारगेट रखता हूँ कि अगर सब्सक्राइबर 700 प्लस होते हैं तो मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का ट्राई करूंगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं रिविजन करवा दूँ। मतलब मेरे तरफ से कोशिश यही रहेगी कि मैं उसको खत्म करा दूँ, मतलब पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके आपका रिविजन करवा दूँ। ओके थैंक यू, मुझे यही न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय यू।